इनिशिएटिव्स तो आई मस्ट से, क्योंकि मैंने कहा कि मैं फेल स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, तो फर्स्ट रीजन कि मैं खुद फेलियर हूँ. आई मस्ट से मैं इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट स्टूडेंट हूँ. तो कितने को ड्रॉप लगा है? क्या बात है, बैक बेंचेस रॉक. या सो ऑब्वियसली व्हेन आई से ड्रॉप आउट, तो मैं जानती हूँ कि क्या रीजंस थे मेरे ड्रॉप होने के. इट वाज नॉट द स्टडी बैकलॉग और समथिंग, लैक ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा या जो भी प्रॉब्लम्स थे. तो फेल स्टूडेंट्स के टूवर्ड्स वो एक अटैचमेंट सा वैसे ही बढ़ गया मेरा. दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. आप आ रहे हो सर पढ़ने? एनीवेज दैट्स ऑल. मैं मेरा काम तो बोलना ही है ना, मैं ज्यादा बोलूंगी तो टाइम चला जाएगा. अगला नाम है जो खुद टीचिंग फील्ड में है. मैं स्वप्नाली मैडम को यहाँ बुलाना चाहूंगा, स्वप्नाली पाटकर मैडम को. ये खुद टीचर है और खुद हमारे इनिशिएटिव में आके जो ये बच्चों को हम पढ़ाते हैं उनमें खुद हमारे साथ आके वहाँ पर पढ़ा रही है. इनका भी बहुत बिजी शेड्यूल है पूरा, एक बोलते ना जरा भी टाइम नहीं मिलता, लेकिन उन्होंने वो एक दिन खाली हिल सेंटर के लिए अलग से निकाल के रखा है. वी आर वेरी ग्रेटफुल द एंटायर टीम ऑफ ह्यूमैनिटी फर्स्ट फाउंडेशन जो आप कर रहे हैं उसके लिए. क्या कहूँ मैं अभी, आई एम स्पीचलेस नाउ. बट आई विल थैंक नाविद भाई बिकॉज ही इज द वन हु इज रियली हेल्पिंग मी टू डू समथिंग विच एज अ टीचर आई रियली वॉन्टेड टू डू फॉर सो मेनी ईयर्स. मैं तो 11th एंड 12th जूनियर कॉलेज के बच्चों को पढ़ाती हूँ बायोलॉजी एंड मेडिकल एंट्रेंस, लेकिन छोटे बच्चों को पढ़ाना जो मैंने बहुत 25 साल पहले चालू किया था. मैं मेरे टीचिंग करियर को 25 साल कंप्लीट हो गए हैं और छोटे छोटे बच्चों को सिखाती थी क्योंकि मैं खुद चौल में पड़ी बली हूँ. और उन बच्चों को सिखाने में मुझे जो खुशी मिल रही है मैं क्या बताऊँ आप सबको. यानी ये सब कुछ है पॉसिबल नाविद भाई की वजह से, क्योंकि आज एज अ टीचर मेरा जन्म सार्थक हुआ ऐसे मुझे लगता है. थैंक यू सो मच. मुझे देखो कितना कैसा प्रेशर रहता होगा हमेशा मेरे ऊपर, मैं सारे टीचर से घिरा हूँ. मेरे स्कूलिंग लाइफ के मैं सोच रहा था मैंने क्या आज़ादी रहेगी, लेकिन अब तो सारी टीचर्स ही टीचर्स है सब जगह, ऐसा हो गया है. नेक्स्ट अच्छा ये वो नाम है आई थिंक जो मुझे बूस्टअप कर दिया था कि हाँ भाई हिल सेंटर हम चला लेंगे किसी तरह से. मैं बुशरा को यहाँ पे बुलाना चाहूँगा, बुशरा सैयद को. इतना जज्बा है इसमें. वहाँ के छोटे छोटे बच्चे पूछते हैं आज बुशरा मैडम आई नहीं जब उनका क्लास नहीं रहता, मतलब अटैचमेंट देखो. मैं ऑनेस्टली बहुत ध्यान से सुनना ये चीज़ें, जो छोटी छोटी चीजें मैं गौर करता हूँ किसी को शायद ध्यान रहती नहीं है. एक बार मैं उनका अटैचमेंट इतना रहा है बच्चे से कि वो एक बच्ची थी जिसके बाल वाल बने नहीं थे एकदम, शायद नाई वाई भी नहीं थी, बहुत ऐसा क्या बोलते हैं उलझ जाते ना, वो अपनी कंघी निकाल के उसके बाल वाल बनाए सब ये की वो की एंड उसको रखे और रिबन बांधे और बैठा दी पढ़ाने. यार इसको बोलते हैं और उसको पता भी नहीं कि कोई देख रहा है. मैं कैसा, मैं साइलेंट ऑब्जर्वर हूँ, मेरी नजर सब पे रहती है, सबको लगता है कि नहीं है लेकिन होती है. ठीक है, तो मैं देख के इतना मुझे लिटरली आंख में पानी आ गया कि यार ये बंदी मतलब. और इसने बोला था कि नहीं सर आप स्टार्ट करो हम चला देंगे किसी तरह, तो एक बूस्ट आ गया. तो मैं ना बूस्टरा नहीं बूस्टरा होना चाहिए, दैट्स अ लेम जोक. ठीक है, लेकिन बिग बिग रिस्पेक्ट टू हर एंड लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर. अगला नाम है आरती मैडम, आरती बगल जी आइए. एंड ये वो टीचर है हमारे पूरे हिल सेंटर में, जितने कितनी भी बारिश आई तूफान आई क्या 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 हो गया, कभी बंद भी रहा इन्होंने, एक भी क्लास नहीं छोड़ी आज तक, 100% अटेंडेंस इनका. एकदम सिंपल चुपचाप आते काम करते. अच्छा ये वो टीम है ना, देखो कोई भी इसको नेगेटिवली मत लेना, मेरी हर बातों को लोग पता नहीं किस किस एंगल से खींच लेते हैं, लेकिन ये हिल सेंटर की टीम वो है ना जिनको फर्क ही नहीं पड़ता कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है.
वरना आजकल सोशल वर्क भी ऐसा होता है कि आप किसी को 5 रुपया दे रहे हो तो 25 कैमरा के फोटो खिंचाते हैं सेल्फी मार के। नहीं नहीं लो फोटो लो डालो ताकि लोग इंस्पायर हो, लेकिन फोटो के लिए मत करो। ये वो टीम है जिनको पता ही नहीं है कि आजू बाजू क्या चल रहा है, जाते हैं बच्चों को पढ़ाते हैं आ जाते खत्म। और मेरे मतलब ऐसे लोगों का तो मैं खुद पैर छूता हूँ भाई, बहुत मेरे लिए बहुत, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि रियल सोशल वर्कर से ये अलग ही लेवल है अपने आप में। अगला नाम है जिन्होंने हमारे पास ना एक प्रॉब्लम हो रही थी, हमारे पास क्राफ्ट और ड्राइंग का कोई टीचर नहीं था, और क्योंकि खुद डांस एकेडमी चलाते हैं तो इन्होंने खुद आगे से आके बोला, जो हमारे खुद सीनियर कमेटी में भी है, तो मैं नूर खान को बुलाना चाहूंगा स्टेज पे, जिन्होंने एक नया रंग ला दिया ये पूरे हील सेंटर की क्लासेस में। आर्ट्स क्राफ्ट क्या तरीके से सिखाया जाता है, मतलब बच्चे भी इससे एकदम इंटरेस्टिंग वे से सीखते हैं। मुझे पता नहीं था ये हिडन टैलेंट तुम्हारा नूर, मुझे लगता था खाली डांस कोरियोग्राफर हो, लेकिन यार यहाँ जो कोरियोग्राफर थे देख लो कि आप लोग भी साथ में आ सकते हो इस तरह एंड हम लोग को हेल्प कर सकते हो। नूर कुछ बोलना चाहोगे? नहीं। सोशल वर्क हर कोई करता है लेकिन टाइम हर किसी को मिलता नहीं है। वो इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो खुद निकालना नहीं चाहते, सिर्फ माइंड में वो सोशल वर्क करते हैं। और प्रैक्टिकली जो सोशल वर्क करता है वो हमने देखा है, नावित सर और जो पूरी टीम है, वो बारिश में बारिश बोलो या ठंड बोलो, ये सारी चीज जो होते हैं इसको साइड में रखे वो सिर्फ उतर जाते हैं मैदान में। और ये सारी चीजें देख के हमें भी एक इंस्पिरेशन मिलता है और हम भी वही चाहते हैं कि हम भी करते रहे, और जितने बार मुझे मौका मिलेगा मैं डेफिनेटली करूंगा। थैंक यू नावित सर एंड टीम। थैंक यू मैम। अगला नाम है कुमार विद्यानंद जी, इनका प्लानिंग इतना परफेक्ट है, कोई भी चीज हम करने निकलते ना तो उसका बेस होता है उसका प्लानिंग, अगर तुम्हारा प्लानिंग पक्का नहीं तो चीज हिल जाएगी, एंड ही इज दी मास्टर इन दैट। हिल सेंटर की प्लानिंग में बहुत बड़ा रोल रहा है कुमार जी का। अगेन ये अगला नाम जो है महर सत्संगी, ये लड़की उधर जाती है पढ़ाती है, इसको पता भी नहीं है, मतलब कभी कैमरा पे देखा भी नहीं होगा कि कौन फोटो खींच रहा है क्या कर रहा है, कुछ उसको दूर दूर तक लेना देना नहीं, एकदम यंग है यार। देखो मतलब तुम लोग तो मतलब फिर भी उससे ज्यादा मतलब एक्सपीरियंस्ड हो। आप कहाँ से आते हो महर पढ़ाने के लिए? बेलापुर से। और एकदम सिंसियर, उसको मतलब कुछ लेना देना नहीं बाहर इधर उधर क्या चल रहा है, वो आएंगी पढ़ाएंगे एकदम सेल्फलेस। सेल्फलेस वर्ड बोलते हैं ना, वो मैं बोलता हूँ एक्यूरेटली बोलता हूँ ये लड़की के लिए। इतने कम एज में वो उधर जाके पढ़ा रही है और अगेन एकदम सिंसियर रही है, मतलब मैंने उसका कभी एक जीरो बोलते ना, जीरो टेंट्रम्स, किसी चीज का कुछ नहीं देखा, बस आए बच्चों को पढ़ाई जाएगी। और उसका एक कनेक्टिविटी, एक फील है, उसका एक सिंसियरिटी है, जमीन पे बैठ बैठ के वो पूरा पढ़ाना, एक एक का हाथ पकड़ के चौक से पूरा स्लेट पे लिखवाना, खुद के कपड़े क्या गंदे हो रहे क्या नहीं हो रहे कोई देखना नहीं। हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू ऑनेस्टली, मतलब मैं सबका अभी मैं थोड़ा प्रेशर में भी हूँ फेस्टिवल के, मैं ज्यादा खुल के नहीं बता पा रहा हूँ,
लेकिन मेरी फीलिंग्स आप लोग क्या समझ पाओगे, सारे के सारे जितने भी सेंटर की टीम में आप हैं सब लोग, तो आज ये अगर कामयाब हो रहा है ना तो सिर्फ ये लोग की वजह से। यार मैं ना बहुत डिप्रेस, खुल के बोल रहा हूँ, बहुत डिप्रेस होता हूँ बीजेपी में कभी कभी, जो चैलेंजेस आते हैं या लोग ट्राई करते हैं रोकने का या जो भी करने का, लेकिन ये लोग को देखता हूँ ना, ये जो हिल सेंटर की टीम है, फिर वापस एनर्जी आ जाती है देखते हैं कि नहीं यार उतर के ये लोग है ना करने के लिए साथ में करेंगे, जैसा भी खींचेंगे चीज़ों पर आगे। तो नेक्स्ट नाम है, अगेन ये बंदा इतना 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 हाईली क्वालिफाइड है कि इसके होने से मेरा कॉन्फिडेंस 10 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। निवेश प्लीज कम ऑन दिस स्टेज, एंड मैं निवेश को उसका प्रोफाइल बोलने लगवाऊंगा ताकि आपको आइडिया लगे कि वो होता है छोटे बच्चों को जाके पढ़ा रहा है जबकि उसका प्रोफाइल क्या है। पहले मैं उनको फेलिसिटेट कर दूं फिर मैं बोलने लगवाऊंगा उनको। निवेश मैं चाहता हूँ तुम तुम्हारा प्रोफाइल बताओ ताकि इन्हें आइडिया लगे कि मतलब तुम क्या लेवल पे कितने बड़े बच्चों को और कहाँ के लिए पढ़ा रहे हो, और अभी तुम जाके ये स्लम्स में जाके ये छोटे छोटे बच्चों को फ्री में एजुकेशन दे रहे हो हमारे साथ, ताकि उनको भी एक आइडिया लगे इस चीज़ का। गुड इवनिंग गाइस, मैं पढ़ाता हूँ जीमैट जीआरई एसएटी, आपको पता होगा शायद। Somewhere, मेरे क्लास में एवरेज एज इज 30-32 एंड आई एम टीचिंग फ्रॉम पास्ट 6 ईयर्स। जब मैं 21 का था तब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, और अंडर ग्रेज कोर्सेज में स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, आप MIT कोई सा भी कॉलेज ले लो, आई डू हैव माई स्टूडेंट्स, और अब मेरे स्टूडेंट्स ग्रेजुएट कर रहे हैं, तो मैं इस एज पे बोल सकता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स ग्रेजुएट कर रहे हैं। एंड देन उसके बाद एक आपको एक्सपीरियंस मिलता है कि यू गो बैक एंड टीच इन स्लम्स एंड दैट विल गिव यू द रियल लाइफ इफेक्ट। तो मुझे वो चीज़ वहाँ से रियल लाइफ में मिलता है, और पढ़ाना बहुत मुश्किल है छोटे बच्चों को। बड़े बच्चों को आप पढ़ाए बड़े आराम से पढ़ा लोगे, ये पढ़ लो वो पढ़ लो कर लो, पर उनको आप जब 9 लिख के दिखाओगे तो 10 में 9 बार पहले 9 उल्टा लिखते हैं, तो ये काफ़ी बड़ा चैलेंज है। और मैं बाकी सारी चीज़ें भी करता हूँ, तो यहाँ पे एक UN का प्रोग्राम है लीडरशिप 30 जो कि HFF के अंदर ही चलता है, यू पीपल कैन ऑल्सो अप्लाई देयर लोग, तो उस प्रोग्राम में हमने कोलैबोरेट कर रखा है इंडिया के बेहतरीन NGO इंटरनेशनल NGO से, जहाँ पे आपको एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस का मौका मिलेगा। आप सक्षम भारत में भी पढ़ाओगे, आप लाइट लगाने भी जाओगे, सो इफ यू पीपल वांट यू कैन अप्लाई, आप अप्लाई कर सकते हो इंटर्नशिप के लिए, सक्षम भारत में आप इंटर्नशिप कर सकते हो। तो मैं बहुत विनम्र निवेदन करूँगा कि आप लोग जो युवा शक्ति है खासकर, वो आए और पढ़ाए, हमारा देश जरूर बढ़ेगा। तो जिनके स्टूडेंट हार्वर्ड में हैं, वो ये हिल सेंटर में आके पढ़ाते हैं, वो इसकी ब्यूटी है। अगला नाम, अगेन ये सिर्फ हिल सेंटर का नहीं, मेरा पिछले 5-6 साल के जर्नी का बहुत बड़ा बैकबोन रहा है। जहां जहां HFF में मेरे पे प्रेशर आया है, वर्कलोड आया, उन्होंने डिवाइड किया है, एंड उनको बुलाऊंगा फिर उनके बारे में बताता हूँ। फरीन खान स्टेज पे आइए। हिल सेंटर में ये पढ़ाने आते हैं सैटरडेज को, क्यों सैटरडेज को आते हैं मैं बताता हूँ। मंडे से लेकर फ्राइडे तक इनका वो 12-12 घंटे का शिफ्ट होता है ड्यूटी जहाँ काम करते हैं, कभी कभी दोपहर से लेकर मिडनाइट तक होता है, कभी कभी मिडनाइट से लेकर दोपहर तक होता है, जो बाहर के नहीं प्रोसेस होते तारे वो। कितना आदमी पिस्ड ऑफ और थका होगा 5 दिन पूरा दिन भर काम करने के बाद, फिर भी वो ऑप्ट करता है कि 6वें दिन में जाके वहाँ गरीबों को पढ़ाऊंगी सोने के बजाय, अकेले लोगों इतनी मेहनत करे, ताली को थोड़ा बजा दो, क्योंकि ये एक्चुअली बोलना बहुत आसान है, एक बार आप जाओ खाली
नहीं बाद में ना वो बोलते ना पूरा दिन ऐसा लगता रहेगा नींद आ रही है, लगता थक जाता है क्योंकि जाना पढ़ाना बच्चों को चिल्लाना समझाना और करना एक एक को हाथ पे पेन पकड़ के करना और पूरे वीक में जब एक दो दिन ही छुट्टी मिल रही है वो भी दांव पे लगा देना। और ये लोग की एज क्या है 25, 26, 28 कुछ ऐसे ही एज के लड़कियां हैं जो आके पढ़ा रही है यार। मैं ये नहीं बोला तुम लोग ये इसमें आगे साथ में काम करो लेकिन ऐसा कुछ ना कुछ तो ट्राई कर सकते हो ना, कुछ तो इंस्पिरेशन तो लेके जा सकते हो यहाँ से। सो फरीन यू एंड एवरीवन महर जितने भी ये सब लोग बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है HMF के लिए और मैं दिल से थैंक्स करना चाहूंगा सक्षम भारत अभियान को इस लेवल पे लाने के लिए। अगेन फरीन को देख के उनकी फ्रेंड जो साथ में जॉब करती है अगेन वही स्टोरी के भाई पूरा हफ्ता भर काम करती है और ऐसा काम जहां पे आप अंदर गए तो 12 घंटे काम करके निकल सकते हो, मतलब वो फॉर्मेट पे इट्स एन इंटरनेशनल कंपनी जहां पे तुम 12 घंटे काम करने के बजाय वो स्वाइप किए बिना बाहर आ ही नहीं सकते हो, मतलब तुम्हारे दिन के 15 घंटे जा रहे काम में और उसके बाद पूरा हफ्ता काम करने के बाद जो एक दिन छुट्टी मिल रही है ये लड़के आके उधर पढ़ा रही है। स्नेहा प्लीज कम ऑन द स्टेज। तो ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है हम सब के लिए। आप लोग एक चीज देख रहे हो ये यूथ है पूरा। हेलो मैं भी उसमें आता हूँ, देखो अलग ही कैटेगरी में डाल देता हूँ ताकि सब लोग, मैं बीच में ही हूँ कहीं ना कहीं, मैं 35 में हूँ, ये लोग 25 में होंगे आसपास ही, लेकिन ये लोग आके वो सब कर रहे हैं, मतलब कितना जज्बा है हमारे यूथ में। वरना कितने लोग फेसबुक पर लड़ाई वड़ाई करते रहते आजकल दिन भर वही चलते रहते हैं, इसको गाली मार रहा है, इसकी पार्टी ऐसी है, उसका धर्म ऐसा है, उसका, अबे सालो सीखो इनसे कुछ, ये लोग ऐसा सब नहीं करते। जाके ये अपने बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं ना देखते नहीं हिंदू है मुस्लिम है क्रिश्चियन है कौन सी पार्टी का है, वो देखते कि हमारे देश का है हमारी कंट्री का है, जिसको भी पढ़ाएंगे हमारी कंट्री आगे बढ़ेगी, किसी की लाइफ चेंज होगी। अगला नाम है जो हिल सेंटर में रीसेंट एडिशन है हमारे यहाँ से एंड इन्होंने मतलब हिल सेंटर में डेफिनेटली अभी जल्दी जुड़े वहाँ पे आके पढ़ाया नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो स्कूल का यूनिफॉर्म था बच्चों के लिए क्योंकि हर एक चीज़ हमें जमा करनी पड़ी खुद से जहाँ जहाँ से भी अरेंज होता है, तो यूनिफॉर्म पूरा इन्होंने हमें से डोनर ला के पूरा करवा के दे दिया। तो मैं जो हमारे HMF के चेयरमैन भी है डॉक्टर हेमंत मकवाना उनको भी स्टेज पर बुलाना चाहूँगा पहले से टेस्ट करने के लिए। बिग थैंक्स यूनिफॉर्म बच्चों का, 62 बच्चे दुआ दे रहे हैं तुम्हें यूनिफॉर्म करवा दिए उनके, दुआ के लिए काम करते हैं। थैंक यू हेमंत जी। अगला नाम है जफर पीरजादा सर, जफर भाई स्टेज पे आइए। डायरेक्टर जनरल है HMF के एंड जब से हिल सेंटर शुरू हुआ है पहले दिन से वो हमेशा हमारे साथ वहां पे ऑल दी वे खारगर से ट्रेवल करके आए हैं, वहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए जो सपोर्ट टीम में साथ में बैठ रहे थे। लेकिन मैं सच बोलूँ ये हिल सेंटर की टीम में ये जो सबको मैंने अभी अवार्ड दिया ना ये लोग और ये यहाँ पे जो हमारे डायरेक्टर जनरल रहे, मुझे नहीं पता है ये चीज़ मुझे बोलनी थी कि नहीं, वहाँ पे जब हम लोग एंटर करते हैं वो एरिया में वो हमें एक झोपड़ा दिया लोगों ने पढ़ाने के लिए, वो जब भी जाते हैं वो गंदा रहता है, ये लोग खुद झाड़ू मारते हैं। मैं खुद फोटो दिया मैंने शेयर नहीं करने को लगेगा दिखावे के लिए ले रहे थे, वो मारते तो मैं ऐसे ले लेता हूँ कभी कभी की यादें रहेगी अपने पास। तुम सोचो ये बात को सोचो कितनी डीप है ये,
झाड़ू मारते सब, वो बोर्ड वोर्ड लगाते, कुछ गंदा रहता है तो साफ करते हैं, बच्चों को बिठाते हैं, कभी उन लोग के कपड़े ठीक नहीं रहते तो वो ठीक करते हैं, मतलब आई यू गेटिंग इट, मैं शायद बता नहीं पा रहा हूँ डीपली जाके, लेकिन ये सब ये लोग सब ने किया है और जफर भाई बींग अ सीनियर पोस्ट होल्डर डेफिनेटली उनका चीफ सेंटर में बहुत बड़ा रोल है। थैंक यू जफर मैम। अगला नाम है क्योंकि मैं कैसा है, मैं ट्यूसडेस को जाता हूँ पढ़ाने के लिए नील सेंटर में, तो हर एक ने दिन असाइन किया हुआ है खुद का। ये जो बंदी का मैं नाम ले रहा हूँ, मेरे ख्याल से मैं आज तक इनसे मिला ही नहीं हूँ, ये डायरेक्टली जाके पढ़ाते हैं वो टीम के साथ, मतलब कितना सेल्फलेस काम है। क्या होता है ना कि मैंने इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, फाउंडर को जाके मिलते हैं, चलो देखते हैं क्या है, वह पहचान बनाते जो भी है, किसी को कुछ लेना देना ही नहीं है, बाढ़ में गया फाउंडर, बाढ़ में गए सब, हमें पढ़ाना है, हमें सेल्फलेसली काम करना है। तो मैं शायद फर्स्ट टाइम इनको मिलने वाला हूँ, नसीहा बगदादी, फर्स्ट टाइम मिलना होगा कि वो भी नहीं होगा, है कि नहीं, नहीं है नसीहा, आज भी नहीं हुआ बगदाद में तो नहीं चले गए। नेक्स्ट 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 नाम बता दे रहा हूँ, वो बगदादी है तो शायद बगदाद गए होंगे, आएंगे फिर रिटर्न थोड़ी देर में देखते हैं। अगला नाम है संतोष झा, ये सपोर्ट टीम में है जो हमेशा वहां पे जाके जो भी टीचर्स लोग को, हमारा कैसे ना दो टीम बना हुआ है, एक टीचर है जो जाके पढ़ाती है और एक है सपोर्ट टीम जो साथ में जाते हैं, क्योंकि स्लम्स में लेडीज को अकेले भेजना बहुत रिस्की है और वहां पे सिर्फ पढ़ाना नहीं होता है, इक्वली और भी काम होते हैं, अपना सब काम धंधा साइड में रख के वो पूरा टाइम जाके वहां पे पढ़ाना सब करना। मुझे देखो यार, इनको देखो, मतलब सब कितने मतलब कॉमन लोग हैं लेकिन खाली हिम्मत करके कुछ तो कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमने बहुत बड़ा तोप मार दिया रहेगा, लेकिन अगर सब लोग इसी तरह अपने अपने एरिया में एक टीम बना के खाली फ्री एजुकेशन देना शुरू कर दें, और कितना सिंपल चीज़ है, हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं उनको, वही बुक पढ़ा रहे हैं जो स्कूल्स में पढ़ाई जा रही है, पैसा लेके हम डायरेक्टली पढ़ा दे रहे हैं, हम उनको NIOS में डायरेक्टली एडमिशन दिला के एग्जाम दिलवा देंगे, डायरेक्टली यशवंतराव चौहान से ग्रेजुएशन करा देंगे, हो गया ना यार, हो गया ना, क्या बोलते हो। पिक्चर में नहीं आते, कभी आगे नहीं आते, हमारे हील सेंटर में आते हैं एज ए सपोर्ट टीम, और जब मैंने HFF स्टार्ट किया था तो ये उस टाइम से मेरे साथ में, उसके पहले से इनफैक्ट, मतलब साथ में ही किया हुआ सब। तो राजीव शर्मा को मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा फॉर ऑल यू सपोर्ट टू HFF। काफ़ी साल से HFF के साथ जुड़े हुए हैं और उतने आगे आके बहुत अच्छा लगता है जब एक नाम, इतना बड़ा नाम हो जाता है और इतने सारे लोग जुड़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है। थैंक्स नावेद जी, जो एक विजन आपने क्रिएट किया था, जो विजन को आप सारे फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। अच्छा लगा तुमने बोला। जैसे हमारा ऑडिशन हुआ था ना ये फेस्टिवल का, तो राजीव जी पूरा टाइम ऑडिशन में जो वो जो क्या कहते हैं जो म्यूजिक पूरा हैंडल करते हैं वहां पे थे, स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा इवेंट खत्म हो गया, एक फोटो भी नहीं खिंचाया स्टेज पे आके। लास्ट में मुझे याद आया कि अरे भाई ये तो मतलब इसका तो फोटो भी नहीं लिया हुआ है। मैं ये छोटी सी चीज इसलिए बता रहा हूँ कि एक सेल्फलेसनेस का लेवल देखो,
किसी को लेना देना ही नहीं था पूरे इवेंट में आके, कि खुद का एक फोटो तो नहीं खींचा, खाली वो इवेंट पार लगाना था, मतलब सक्सेस करना था। तो ये छोटी चीजें जो मुझे याद आती आ रही है बताते रहा हूँ। अभी अगला नाम है किरण वर्मा मैडम। ये मैम एक्चुअली बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, जितने भी मेजर केसेस आते हैं एचएफएफ में ये हिल सेंटर में पढ़ाने आते साथ में। और देखो अभी खाली यंग लोगों की बात हो रही थी, अब हमारे एज के लोग भी आ गए, अच्छा लग रहा है थोड़ा, ठीक है, मतलब आप बड़े हो मुझसे ऐसा बोल रहा हूँ। लेकिन जितने भी केसेस आते हैं, अपना टाइम अपना जान दांव पे लगा के अपना सारा रिस्क लेके, ये वहां पे जानते भी नहीं किसका केस आया, अनजान आदमी, आज दोस्त दोस्त को मदद नहीं करता, घर वाले को मदद नहीं करते, ये लेडी पर याद भी नहीं कितने केसेस सॉल्व कर दिया रहेगा इन्होंने। और हिल सेंटर में पढ़ाने जाते हैं, इनके लाइफ में बहुत सारे पर्सनल चैलेंजेस है, मैं इधर नहीं बताना चाहूंगा, बहुत सारे पर्सनल चैलेंजेस थे लेकिन उसके बावजूद वो कर रहे हैं। तो ये यही वो रियल लाइफ हीरोज है जिनके बारे में बात कर रहा था स्टार्टिंग में। फाइनली लास्ट नाम है नसीहा भी आ गई, मतलब नसीहा बगदादी आ गई, जो कहाँ चली गई थी पता नहीं। नसीहा स्टेज पे आइए प्लीज। अब सही में नसीहा बगदादी लग रहे हो एकदम, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इनको। एंड थैंक्स, हम लोग अभी मिले नहीं है लेकिन आपने जो हिल सेंटर के लिए काम किया, जो ज्यादा के बच्चों को पढ़ाया, वो बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है, उसके वजह से वो सब लाइफ चेंज हो रही है और इतना बड़ा इनिशिएटिव। ये हिल सेंटर खाली नवी मुंबई में नहीं, बहुत जगहों पे स्टार्ट होने वाला है, ये हमने एक बार पार लगा दिया ना तो बहुत जगहों पे हम लोग इसी तरह से फ्री एजुकेशन डायरेक्टली देना शुरू करेंगे। हो गए सारे हिल सेंटर के, हमारा टीम और बढ़ते जाएगा। एक लास्ट ग्रुप फोटो तो पूरे हिल सेंटर का होना चाहिए मेरे ख्याल से। उन्होंने सो रिक्वेस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ हिल सेंटर टू प्लीज कम अप ऑन द डायस। हम तुम्हें इंडिया के एवेंजर्स से मिलाते हैं जो एक्चुअली उतर के अच्छा काम कर रहे हैं। सो हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। ये सारे लोग डेली बेसिस पे उन गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं जाके वहां पे, जिनसे कोई उनका लेना देना नहीं लेकिन वो कर रहे हैं क्योंकि उनकी लाइफ चेंज करना चाहते हैं। सो हैट्स ऑफ टू ईच वन ऑफ यू। मैं चाहूंगा इस पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां हो जाए, पूरी फौज मौजूद है। अंजनी आप भी चले जाइए। यस थैंक यू नवीद जी। दोस्तों आप सबको एक चीज और बता दूं, जो इंसान 10 मिनट से खड़ा होके सबके बारे में इतना बोल रहा है, अभी इन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया गुड प्लानर, आप सबको मालूम है एक प्लानिंग के पीछे स्ट्रांग फाउंडेशन अगर ना हो तो कोई भी प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं होगी। और हमारे साथ तो एक ऐसा शख्स खड़ा है, ऐसा व्यक्ति खड़ा है जो अपने बारे में कभी कुछ बोलता नहीं है, और ये नींव जो है इतनी स्ट्रांग है कि कभी किसी को हिलने नहीं देता। इनका एक शब्द मुझे याद है, जब हमने ये प्लानिंग शुरू किया था तो इन्होंने बोला था कि हमारे देश में इतनी पॉपुलेशन है, और हम कई बार ये बात करते हैं कि वी आर ओवर क्राउडेड, वी आर ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, बट शायद इनफैक्ट इंडीड अ वंडरफुल मैन आई हैव मेट इन माई लाइफ सो फार। सो थैंक्स अ लॉट टू नावेद जी जो सबके लिए इतनी तारीफ करते हैं, बट खुद अपने आप में ही एक बड़े लेजेंडरी हैं। लेट्स हैव अ ग्रुप फोटो एंड देन आई विल आई थिंक सम अप द एंटायर। यस फोटो में कोई दिखे ना दिखे बट इनकी ताकत, इनका काम जो है वो दुनिया के सामने दिख ही रहा है। जरा जोरदार ताली हो जाए। यस एंड लास्टली एक दो लाइन कहूंगा कि
कोई भी सोशल वर्क प्रोजेक्ट जो हम लोग करते हैं उसमें क्या होता है, जैसे हम खाना बांट रहे हैं तो किसी को खाना देते रहे, आज दे दिया लेकिन कल क्या, अगर हम किसी को कपड़े दे रहे तो आज दे देंगे शायद दो महीने यूज हो जाएंगे उसके बाद क्या, कोई भी चीज दे देंगे तो मतलब यूज हो जाएगी, ठीक है थोड़े दिन के लिए उसका एक क्या कहते हैं काम आएगी उसके बाद कुछ नहीं, लेकिन एजुकेशन अगर आप दे दो तो आने वाली टाइम में वो कपड़े भी खुद के पैसे से खुद के दम पे खरीदेगा, घर भी खुद के दम पे खरीदेगा, खाना भी खुद के दम पे खरीदेगा, इसीलिए सक्षम भारत अभियान पे हमारा पूरा फोकस है। थैंक यू, बिग थैंक्स। थैंक यू सो मच नावेद सर, award for your excellence and contribution to the society by International Human Rights Peace Commission. That's all. Thank you, and she is none other than Dr. Rekha Gaur. Can we have you on the ice, please? Talia, come over here. I request Naveed Sheikh sir to please come up on the dais and honor her from the HFF award. And let me say, she is going to be our ambassador. Rekha Gaur ma'am ka bahut bada support raha hai aur sham mein bhi bada surprise hai sabko. And jo All India Artists Association hai, main uska ek special thanks karna chahunga ke madam ne aur us association ne hame bahut support kiya HFF ko is muqam pe lane ke liye. So big thanks ma'am for all your support. मैम रिक्वेस्ट कर रही है कि उनकी मदर और नाथ स्टेज पे आए। कितना बड़ा ऑनर है कि मैम ने आज उनके मदर को भी यहाँ बुलाया हुआ है, हमें एक ब्लेसिंग मिल गई सबको। नेक्स्ट हम परफॉर्मेंसेस के साथ शुरुआत करते हैं वापस। चलो तो आइए थोड़ा सेट में आते हैं और अगला जो परफॉर्मेंस है फिर एक बार हम परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ेंगे। यस ऑडियंस, अवार्ड्स तो हो गए, ऐसे ही कुछ अवार्ड्स और बाकी है जो हम यहाँ पे देने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, बट साथ ही साथ जितने परफॉर्मर्स अभी रेडी है बैक स्टेज उन सभी का परफॉर्मेंस हम आपके सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं। यस अंजनी, व्हाट्स नेक्स्ट? हमारा हर परफॉर्मेंस का थीम आज सोशल से रिलेटेड होगा, सो आवर नेक्स्ट इज द एनआर डांस इंस्टीट्यूट। मैं इनके बारे में ज्यादा कुछ डिस्क्राइब नहीं करूंगी, हम सीधा परफॉर्मेंस देखेंगे। यस, ये सोशल थीम पे बेस्ड है, व्हिच इज बेस्ड ऑन चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड लेबर एंड वुमेन सेफ्टी। सो जरा इस स्पेशल परफॉर्मेंस के लिए जोरदार तालियां ऑडियंस। हियर वी गो, एनआर इंस्टीट्यूट ऑफ डांस। आपका टाइम पता नहीं कहा, अरे सिग्नल पे आपसे मैं हमने कहा पब्लिक देती है तो मेहरबानी नहीं करती है, अपन लेते तो लोग काम धूलते हैं। अच्छा समझने कहा कि अलग धोनी काट है, इधर पब्लिक कपड़े धोने नहीं अपने काम धोने आती है, चल रहा क्या? Thank you.
मैं तो बैकस्टेज फील कर रहा था अंजनी गूज़बम्प्स इस परफॉर्मेंस को देखकर। आई होप ऑडियंस ने भी जरूर अगर पसंद आया हो दिल फेलिसिटेट हिम। मैं चाहूंगा कि एनआर इंस्टीट्यूट के जो डांस गुरु है वो भी इस मंच पर आ जाए। हम इस पूरे ग्रुप को यहाँ पे सम्मानित करना चाहते हैं। नावेद सर कैन वी हैव यू ऑन डायस प्लीज। थोड़ा सा बच्चों आप आगे आओगे फोटो के लिए। यस प्लीज। दैट वाज इंडीड अ वंडरफुल परफॉर्मेंस। बच्चे आगे। यस वो संजय सोनार जी का है। इट्स अ मोनो एक्ट एंड एज आई टोल्ड यू एक्ट के बारे में हम पहले कुछ नहीं बोलेंगे, हम बाद में बोलेंगे एक्ट देखने के बाद, क्योंकि आज के इवनिंग का हर एक्ट बहुत ही स्पेशल होने वाला है। निखिल तुम नहीं बोल रहे हो तो कैसे ना? नहीं यार मजा नहीं आया। जरूर तो टेक्निकल इश्यू नो प्रॉब्लम बट मैं आपका माइक यूज कर लेता हूँ। जरूर इस एक्ट के बारे में हम कुछ ज्यादा नहीं बताएंगे, एक्ट देखने के बाद ही हम बताएंगे और आप लोग बताओगे कि ये एक्ट आपको कैसा लगा। कैसे बताओगे? जोरदार तालियां बजाकर। तो आइए देखते हैं कौन सा एक्ट ही होने वाला है। आई रिक्वेस्ट मिस्टर संजय सोना टू प्लीज कम ऑन स्टेज टू प्रेजेंट दिस लवली सोलो एक्ट। हेलो हेलो। किसी भी क्षेत्र से आए सभी के लिए एक ही चीज जरूरी है और वो है शिक्षा। मेरा आज का एक्ट किसी एक बची हुई लेकिन उठने जा रही चीज का माफ करना, मैं इस एक्ट का कोई नाम तो नहीं रख पाया और शिक्षा को चीज कहना पड़ा इसके लिए मुझे खेद है, लेकिन आखिर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं आपको इस एक्ट के अंत तक पता चल ही जाए। मर्डर केस में सबके सामने आया है उसे नाकाम महिला पुलिस ने बहुत बदला, पुलिस ने मुझे बड़े चुनाव से चुनाया और मुझे खींचा गया। मैं नहीं बनना चाहता चोर, नहीं बनना चाहता लुटेरा, लेकिन अगर मैं पढ़ूंगा नहीं तो मैं शायद इन्हीं में से एक बन जाऊंगा। मैं नहीं बनना चाहता बलात्कार, मैं नहीं बनना चाहता वो एक व्यक्ति जो जो देशद्रोही हो, लेकिन विद्यापीठ के बिना तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा।
अफगर रुको, ये क्या क्या विद्यापीठ को क्यों तोड़ रहे हो? क्या ये महज एक इमारत है, टूटी हुई इमारत। अब यहां पर एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग खड़ी होगी और जिसे कॉलेज कहा जाएगा। इसमें सभी सुख सुविधाएं होंगी, इसमें बक्सा गार्डन होगा, स्विमिंग पूल होगा, इंडोर आउटडोर गेम्स होंगे। इसी कॉलेज में बड़ी आधुनिक सुविधाएं होंगी। लेकिन क्या इस कॉलेज में शिक्षा मिलेगी? जब मैंने ऐसा प्रश्न पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि यहां पर तुम्हें लाखों रुपए फीस भरनी होगी। ये लाखों रुपए तुम्हें शूज दिलाएंगे, यूनिफॉर्म दिलाएंगे, किताबें दिलाएंगे, पेन पेंसिल सारी चीजें तुमको यहीं से दिलाएंगे। लेकिन शिक्षा के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। यहां पर एडमिशन लेना होगा और अगर आपको एडमिशन नहीं मिलता ना तो यहां पर कुछ सीट्स रिजर्व रखी जाएंगी उन लोगों के लिए जो डोनेशन भर सकते। लेकिन एक गरीब बच्चे के लिए कुछ भी नहीं, कोई सीट रिजर्व नहीं। यहां गरीब बच्चा ऐसे मर जाए, मेरा क्या होगा, मेरे दोस्तों का क्या होगा जो यही शिक्षा के लिए पैसा नहीं भर सकते। हम कहते हैं ना, बढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। लेकिन हम लोग ही आज इस देश में बहुत सारे देश बनाकर बैठ गए। आपको लग रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन ये सच है। क्या कर रहे हैं हम लोग एजुकेशन को स्टेट्स के हिसाब से बांट रहे हैं। कहते हैं कभी बिहार तो कभी केरला में सबसे ज्यादा एजुकेशन, कभी यहां पर इतना एजुकेशन है तो कभी वहां पर उतना एजुकेशन है। लेकिन पूरे भारत की बात करें तो जब हम भारत की बात करें ना तो कोई आंकड़ा सामने नहीं आता। मैं उनके सामने गया, उनसे फिर से पूछा कि इस कॉलेज में मुझे एडमिशन मिलेगा। उन्हें कहा मिलेगा, तुम्हें एडमिशन मिलेगा, लेकिन हमने तुम जैसे लोगों के लिए कॉलेज खोलकर नहीं रखा। जाओ जाकर एजुकेशन लोन ले लो, वो पढ़ने में मदद करेगा। गया एजुकेशन लोन लेने के लिए, कहीं पर के 6 से 8 एजुकेशन लोन 12 से 16%। अब सोचा पढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। खैर छोड़ो, एक मजेदार चीज बताता हूं आप सभी को। आप सभी ने सुना होगा कि एजुकेशन में सबसे होशियार बंदा साइंस लेता है ना? हाँ, पैसे भी किसी ने लिया होगा। उससे कम होशियार कॉमर्स लेता है, उससे कम होशियार आर्ट्स लेता है, लेकिन जो साइंस लेता है ना वो साइंस लेकर इंजीनियर बनता है। अब कॉमर्स वाला बंदा MBA करता है, उसके नीचे ये इंजीनियर्स काम करते हैं। आर्ट्स वाला बंदा सबसे स्मार्ट है, वो क्या करता है, आर्ट्स लेता है, सिविल सर्विसेज ज्वाइन करता है, जिसके नीचे कॉमर्स वाले काम करते हैं, उसके नीचे साइंस वाले काम करते हैं। ये हमारा एजुकेशन। शिक्षा फ्री होनी जरूरी है, लेकिन क्यों? कुछ लोग कहते हैं क्या जरूरत है फ्री शिक्षा की, क्या जरूरत है इस फ्री शिक्षा की? फ्री शिक्षा की जरूरत इसीलिए है क्योंकि इस देश में हर एक बंदा पढ़ा लिखा होना जरूरी है। उस हर एक व्यक्ति तक शिक्षा पहुंचनी जरूरी है। हम लोग कहते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। लेकिन ये रेप हमको मार देता है। रोज देखने में आता है दंगे और रेप हमारे सामने होते जा रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस हाथ पे हाथ रखकर हम लोग ईद को देखते जा रहे हैं। क्या जरूरत है फ्री एजुकेशन? उस अंकल ने मुझे यही सवाल किया कि तुम जैसे गरीब लोग फ्री एजुकेशन के अलावा और कुछ नहीं ले सकते। मैंने उन्हें कहा ये जो फ्री एजुकेशन है ना, वो जहां से मिलता है वहां पर ताले लगना शुरू हो गए हैं तुम लोग की वजह से, इंस्टीट्यूट की
वजह से आज फ्री शिक्षण किसी को नहीं मिल रहा और ये रेप जैसी, ये दंगे जैसी, ये बहुत सारी जो बीमारियां हैं ना वो पनपती जा रही है। क्या जरूरत है इन सब चीजों की? इन सब चीजों की इसीलिए जरूरत है क्योंकि ये जो गरीब लोग हैं ना वो आज भी 29.8% गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, जिन्हें दो वक्त का खाना तक नहीं पता। उन्हें ये तक नहीं पता है कि सुबह में खाना मिलेगा या शाम को। उन्हें ये तक नहीं पता है कि मेरे पास कपड़े आज आएंगे या कल। हम लोग ठंड की बात करते हैं ना, अरे इन लोगों को चद्दर तक नहीं मिलती, फटी हुई चद्दर नहीं मिलती। एजुकेशन क्या मिलेगा इन लोगों को? इसीलिए फ्री शिक्षा की जरूरत, हमारे देश में फ्री शिक्षा की जरूरत है ताकि हमें ऐसे बैनर्स लेके खड़े रहने की जरूरत ना पड़े। हमें फ्री शिक्षा की जरूरत है क्योंकि हम लोगों को इनकी तरह मोमबत्तियां लेकर खड़े रहने की जरूरत ना पड़े जब किसी लड़की का रेप हो। हमें फ्री शिक्षा की जरूरत है क्योंकि शिक्षा बाप के जागीर नहीं है। हमें फ्री शिक्षा की जरूरत है क्योंकि ये जो लोग हैं ना उनको शिक्षा मिलना सच में बहुत जरूरी है। अकेले और ये जो सारी चीजें हैं ना ये कब हो, लेकिन कौन सोचेगा इनके बारे में? फ्री शिक्षा की सच में बहुत ही अहमियत है लेकिन उसकी अहमियत आज किसी को नहीं। आप लोगों से आखिरी बात कहना चाहूंगा वो ये है कि हम लोग या ये गरीब लोग शिक्षा को नहीं बदल पाएंगे। आप में से यहां पर कोई बैठा हुआ बता सकता है कि हमारे शिक्षक मंत्री का नाम क्या है? कोई नहीं बता पाएगा। क्यों? हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। बस इतनी एक बात कहना चाहूंगा, हम लोग शिक्षा को नहीं बदल सकते लेकिन शिक्षा अगर ऐसे लोगों को मिली ना तो शिक्षा इनका जीवन जरूर बदल सकती है। जय हिंद। सर प्लीज उनका फेलिसिटेशन कीजिए। आई रिक्वेस्ट मिस्टर डॉक्टर दीपक बैठ टू प्लीज कम अप ऑन द डायस। एक बार जोरदार तालियां हो जाए संजय सोनार सर के लिए जो इतना वंडरफुल एक्ट उन्होंने हम सबके सामने प्रस्तुत किया। फोक डांस फ्रॉम द स्टेट ऑफ राजस्थान। ऑडियंस पीछे बैठे।